إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال الله تعالى كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما معزز علماء الكرام हाजरीन मजलिस बुजुर्गों दोस्तों नौजवानों पर्दा नशीन मेरी माए और मेरी बहने आज का ये प्रोग्राम जहां दावतों तबलीग दावत हक की पेशी के लिए मुनादिद है वहीं मदरसा उम्मे सलमा लिल बनात
कि बजट को मजबूत करने के लिए भी हम और आप इन बातों से अच्छी तरह वाकिफ हाल है। भाइयों बुजुर्गों, मदरसा उम्मे सलमा लिल बना मदरसा बोला जाता है, जहां पढ़ने पढ़ाने का इंतजाम हो, सीखने सिखाने का इंतजाम हो, और उम्मे सलमा इसका नाम है। लिल बनात, लिल बनात ये नाम नहीं है, बिंतुन के माना लड़की और बनात माना लड़कियां, तो लड़कियों के लिए ये मदरसा कायम है। एक लड़की पूरी जिंदगी के अंदर मुख्तलिफ मराहिल में उसके मुख्तलिफ रूप तैयार होते हैं, हैसियत उसकी बनती है अलग अलग, वक्त के एतबार से, जमाना के एतबार से, उम्र के लिहाज से। एक लड़की हमारी हो या आपकी हो, जब वो लड़की आपकी लड़की है तो ये लड़की हमारे लिए, आपके लिए सिर्फ लड़की नहीं बल्कि जहन्नम से बचाने के लिए बहुत मजबूत फाटक है। ये लड़की आपको जहन्नम से बचाएगी, जिस जहन्नम के ताल्लुक से शेख मोहतरम कुछ फरमा रहे थे, यही लड़की जब यह मां बन जाती है तो इसके कदमों तले जन्नत होती है। यही लड़की जब किसी की बीवी बनती है तो उसके हक में बाकी से सुकून और यह आराम बनती है। तो इन्हीं लड़कियों के लिए ये इदारा खोला गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक परवरदिगार आलम ने फरमाया कि हमने गाय को तुम्हारी बीवी नहीं बनाया, बकरी को तुम्हारी बीवी नहीं बनाया, दुनिया के मुअन्नस जानवरों को तुम्हारी बीवी नहीं बनाया, बल्कि तुम्हारी ही जिन्स से और तुम्हारे ही अंदर से तुम्हारी तरह एक खास सिंफ में लड़कियां पैदा करके उन लड़कियों को तुम्हारी बीवी बनाया। तुमने हो सकता है कि इस सिलसिले में गौर फिक्र नहीं किया, गौर फिक्र करो। अगर जिन्नात तुम्हारी बीवी होती, अगर ये जानवर अगर तुम्हारे बीवी होते तो सुकून तुमको नहीं मिलता, मवद्दत पैदा नहीं होती और ये रहमत तुमको नहीं मिलती। अब इन लड़कियों को आपके लिए और हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बारिश से सुकून बनाया है, बारिश से रहमत बनाया है। इन्हीं लड़कियों को सालिहा बनाने के लिए, नेककार बनाने के लिए ये मदरसा उम्मे सलमा लिल बनात खोला गया। भाइयों बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, इस इदारे की मिसाल जानते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह फतह के अंदर बयान फरमाया कि एक काश्तकार, जबकि उसका ताल्लुक कुफार वगैरह से भी है, तो ये मिसाल बड़ी आसान मिसाल है जो आपको समझ में आ जाएगी कि एक काश्तकार किसान जब बीज डालता है जमीन के अंदर, और जमीन के अंदर डालने के बाद जब पानी पड़ता है, पानी की बूंद गिरती है, बारिश जब होती है तो उसका अथवा निकलता है,
यानी सबसे पहले हम लोग जिसको आकुर बोलते हैं, आकुर, फिर उसके बाद और वो थोड़ा सा बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद और थोड़ा सा जब बड़ा होता है तो डेली सुबह शाम या रोज आना हम लोग उसको देखने के लिए जाते हैं कि बड़ा ये खुशनुमा लगता है, अच्छा लगता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बहुत मजबूत हो जाता है। आप झाड़ भी देखिएगा तो एक मुट्ठा के करीब, तो काश्तकार लोग बहुत खुश होते हैं और इतने खुश होते हैं कि आने के बाद उसको मुख्तलिफ मजलिसों में बयान भी करते हैं कि माशा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा धान है, बहुत अच्छा गेहूं है, ये है वो है। तो ये काश्तकारों को बड़ा अच्छा लगता है। इस बात को अल्लाह ताला ने कलाम पाक के अंदर बयान फरमाया कि कज़र इन अखरज शतअहु फआज़रहु फस्तग़लज़ फस्तवा अला सूक़ैहि। जब इस इदारे को आप लोगों ने बीज के शक्ल में शुरू किया था, तो बीज के शक्ल में जब हम लोगों ने शुरू किया, इलाका वालों ने जब हम लोगों ने शुरू किया, मोहनपुर, आमटोला, छापतला, करणनगर, कुसुमटोला, बाबूपुर, मणिपुर, पूरे इलाका वाले, स्टेट में रहने वाले, गैर स्टेट में रहने वाले इंतजार में थे कि कब इसका अखवा निकले, कब ये थोड़ा सा बड़ा हो, कब ये मजबूत हो, कब ये आगे बढ़े। भाइयों, बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आज ये इस शिकर में है कि देखने के बाद हमारा आप खुश हो जाते हैं, देखने के बाद हमको और आपको जब खुशी होती है कि ये बेटी कयामत के दिन हमारे लिए जहन्नम का ये फाटक बनेगी, हमको जहन्नम से बचाएगी, यही बेटियां हमारे लिए बाग से सुकून बनेगी, और यही बेटियां दुनिया के तमाम साजो सामान और असबाब में सबसे बेहतर सामान, बेहतर मता, सबसे अच्छी चीज यही बेटियां बनेंगी। चुनांचे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे उम्मतियो, ऐ मेरे उम्मतियो, अगर तुम अपनी लड़की को या तुम्हारे घर में रहने वाली लोंडी नुकरानी को लिखा दो, पढ़ा दो, उसको इल्मे दीन से आरास्ता पैरास्ता अगर तुम कर दो, दीन का अदब आ जाए, इस्लाम का तरीका आ जाए, शरीयत के अहकाम मालूम हो जाए, अगर वो ईमानदार दीनदार तक व शियार अगर बन जाए, तुम मरोगे तुम्हारी बीबी मर जाएगी, तुम्हारे लिए, तुम्हारी बीबी के लिए, वालिद के लिए, वालिदा के लिए, यही लड़की कल कयामत के दिन जिस दिन के लोग नफसी नफसी के आलम में होंगे, पुल से रात पार करते हुए परेशान होंगे, अम्बियाए किराम अलैहिम सलातु वस्सलाम की जुबान से यही निकलेगा कि ऐ अल्लाह तू सही सलामत पार कर दे, सही सलामत पार कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं गिर जाऊं, आदम कहीं गिर ना जाए, नूह कहीं गिर ना जाए, शीश कहीं गिर ना जाए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहीं गिर ना जाए, आखिरी पर पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं गिर ना जाए, उनकी जुबानों से दुआ निकलेगी, अल्लाहुम्मा अतमिम लना नूरना, अल्लाहुम्मा अतमिम लना नूरना। ऐसे भयानक मौके पर, ऐसे भयानक वक्त में ये लड़की आपके लिए आड़ बनेगी, पर्दा बनेगी। भाइयों, बुजुर्गों, कितनी बड़ी फजीलत है, कितना बड़ा मकाम है, कितना ऊंचा इनका दर्जा है कि कयामत के दिन आपका सोना काम नहीं आएगा, आपकी चांदी काम नहीं आएगी, आपकी जमीन काम नहीं आएगी, आपकी दौलत काम नहीं आएगी, आपकी कुर्सी आपको काम नहीं देगी, लेकिन काम देगी कौन ना, आपकी ये बेटी देगी।
कुन्ना सितरन ये पर्दा बनेंगी और आप पुल से रात पार होकर के जन्नत के दरवाजे तक पहुंचेंगे। पार कैसे होंगे? पार होने की रफ्तार किलोमीटर का भी जिक्र हदीस के अंदर आया है कि बटन दबाने से पूरे मोहनपुर की बत्ती जैसे जल जाती है, उस तेज रफ्तारी से आप पार हो जाए। उसके नीचे दर्जे वाले 100 किलोमीटर की रफ्तार से पार हो जाएंगे, उससे नीचे वाले 80 किलोमीटर की रफ्तार से पार हो जाएंगे, यानी तेज रफ्तारी से पुरसरात पार हो जाएंगे एक बेटी को पढ़ाने पर, पढ़ाने के सिले में और उसके बदले में। ये मेरी बात नहीं, इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे उम्मतियो, तुम अपने बेटों को पढ़ाओ, तुम अपनी बेटियों को पढ़ाओ। वअल्लिमुहुन्ना, जी सहाबिया, नबी के जमाने की मोमिनात और मुसलमान औरतें। एक सहाबिया आई कि अल्लाह के रसूल, माँ बहन के अंदर जज्बा होता है बड़ा अच्छा, बोला अल्लाह के रसूल हम लोग के लिए जलसा कीजिए ना, जैसे उम्मे सलमा में जलसा होता है वैसे ही जलसा कीजिए। बोले जलसा सुनोगी? बोले जी हाँ। सिर्फ मैं नहीं, मदीना की औरतें, मदीना की मोमिनात, मदीना की मुस्लिमा जलसा के नाम पर आपके पास हाजिर हो जाएंगी और आपकी जुबान मुबारक से खिताब सुनेंगी, इत्मीनान से, बड़े चैन सुकून से सुनेंगी। बोले ठीक है, जलसा होगा। बोले कौन सा दिन, किस महीना में? आज जैसे आप लोगों ने तारीख, हम लोगों ने तारीख मुतय्यन की है कि 24 तारीख को जलसा। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 महीना 3 महीना 4 5 महीना लंबा वक्त नहीं, आज सोमवार है, आज मंगल है, आइंदा परसों जुमेरात के दिन तुम लोगों के लिए जलसा होगा। जुमेरात के दिन जलसा मुनाकिद हो गया, सहाबियात सुनने के लिए आ गए। तो भाइयों बुजुर्गों, उस जमाना में औरतों को पढ़ाया जाता था, औरतों को सिखाया जाता था, लड़कियों को पढ़ाया जाता था, ये जलसा की शक्ल में। आज तो हम मदरसे में दाखिला दिलाकर और भर्ती करके उनको लिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। उस जमाना में लड़कियों को पढ़ाया जाता था जलसे की शक्ल में, जलसा सुना करके उनको लिखाया और पढ़ाया जाता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक परवरदिगार आलम ने फरमाया कि अगर तुम्हारी बीवी लिखी पढ़ी हो, तहजीब और तमद्दुन से आरास्ता पैरास्ता अगर हो, तो तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी वो बायस सुकून है। और इसी का नक्शा खींचते हुए सूरह रूम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफक्करून। ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो, मेरी बंदियों से तुम सुकून हासिल करो, आराम की जिंदगी इख्तियार करो। मेरी बंदियों के जरिए से तुम आराम की जिंदगी बनाओ, रात तुम्हारी आराम से गुजरे, दिन भी तुम्हारा आराम से गुजरे। तुम अपनी बेटियों को, तुम अपनी बहनों को फातिमा की तरह बनाओ, खदीजा की तरह बनाओ और आयशा की तरह बनाओ, सौदा की तरह बनाओ, तुम ज़ैनब की तरह बनाओ।
कौन कह रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक परवरदिगारे आलम ये फरमा रहा है कि तुम बनाओ, और अगर नहीं बनाओगे तो तुम्हारी बीबी नबी की बीबी की तरह जहन्नम जाएगी। अगर हम नहीं बनाएंगे तो बाज नबी की बीबी जहन्नम जाएगी, ये आप सुन करके रखिए। बाज नबी के बाप को जहन्नम जाना पड़ेगा, बाज नबी के बेटा को जहन्नम जाना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने लिखा नहीं पढ़ा नहीं। आप लोग बोलिएगा, हम लोग बोलेंगे के चचा बोलेंगे के बाबू रे ये मदरसा में कौन पढ़ता है? बेवकूफ पढ़ता है, गधा जो कम समझ का। और मौलवी लोगों को बेवकूफ समझा भी जाता है। और आज की बात नहीं, नबी के जमाना में भी मदरसा में पढ़ने वाले और मदरसा का अकीदा सीखने वाले, मदरसा की तालीम के मुताबिक अमल करने वालों को बेवकूफ समझा जाता था। ये मौलाना लोग गवाह हैं, इन लोगों को मैं गवाह बना करके बोल रहा हूं। सूरह बकरा यानी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, एक रुकू पार करने के बाद आगे बढ़िए। जब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग ईमान लाओ, मेरी बात मान लो और मेरी तरह तुम लोग नमाज रोजा हज ज़कात शुरू करो, मेरी तरह तुम लोग दान खैरात करना शुरू कर दो, और मेरी तरह मजबूत अकीदा बना करके जिंदगी गुजारो, और सिर्फ मेरी नहीं बल्कि मेरे मदरसा में जितने तालिबे इल्म हैं, सुफा में पढ़ने वाले, मस्जिद नबवी के अंदर पढ़ने वाले, इन लोगों की तरह अकीदा बनाओ, इन लोगों की तरह ईमान ले आओ। तो बदमाश लोगों ने कहा था, मुनाफिकों ने कहा था, बेदीन वालों ने क्या जवाब दिया था? वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमन्नास, मदीना के मुनाफिकों से कहा गया था, ईमान से बाहर रहने वाले उन लोगों से जब कहा गया कि आमिनो तुम लोग ईमान ले आओ, कमा आमन्नास, जैसा कि मदरसा में पढ़ने वाले ईमान ले आए हैं, मदरसा में पढ़ने वाले अमल कर रहे हैं, मदरसा में पढ़ने वाले जिस तरह चल रहे हैं, नास से मुराद सहाबा इकराम, बोले पढ़ने वाले पढ़ते थे, आमिनो कमा आमन्नास। तो लोगों ने क्या कहा? आनुमिनो कमा आमन्नसुफहा, इन गधों की तरह बेवकूफ की तरह पागल और बुड़बक की तरह हम लोग ईमान ले आए, इन बुड़बक की तरह और पागल की तरह हम लोग ईमान नहीं लाएंगे, यानी हमको मदरसा में पढ़ना नहीं है, मदरसा का तालिब इल्म नहीं बनना है, उम्मे सलमा में दाखिला नहीं लेना है, इनकी तरह अकीदा नहीं बनाना है, इनकी तरह अमल नहीं करना है, क्योंकि ये लोग बेवकूफ हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक परवरदिगारे आलम ने फरमाया कि ये मुनाफिकीन, ऐ मुनाफिकीन, ऐ मुनाफिकीन, मदरसा में पढ़ने वाले बेवकूफ नहीं बल्कि यही लोग हकीकत में असली चालाक हैं, ओरिजिनल चालाक, ओरिजिनल अकलमंद, ओरिजिनल दानिशमंद यही लोग हैं। बल्कि सुन लो, दुनिया में तुम्हारे अलावा सिर्फ तुम और तुम ही लोग पागल हो। ये कलमा हंस रहे, अला इन्नहुम हुमुस्सुफहा वलाकिन ला यअलमून, अरे ये मुनाफिकीन पागल हैं, ये कुफार पागल हैं, ये मुनाफिक मुशरिकीन पागल हैं, ये गरीब सहाबा पढ़ने वाले पागल नहीं, गरीब सहाबियात ये पागल नहीं है, पागल तो तुम लोग हो, तुम लोग हो, तुम लोग
लोगों ने आखिरत को गंवाया और इन गरीब तालिबे इल्मों ने तो आखिरत को कमाया। इन लोगों ने आखिरत को गंवाया, मुनाफिकों ने आखिरत को गंवाया और गरीब तालिबे इल्मों ने आखिरत को कमाया। इन लोगों ने आखिरत को कितना कमाया जानते हैं? अल्लाह ताला ने एक दिन फरमाया कि जिब्राइल तुम जाओ और मदीना में और मक्का के, ताइफ के, यमन के, हिजाज के जितने भी पढ़ने वाले तालिबे इल्म और तालिबात हैं मर्दों में और औरतों में, इन लोगों से जाकर के मेरे नबी की मार्फत बोल दो। तुम डायरेक्ट मत बोलो, मेरे आखिरी नबी को बोल दो, मेरे नबी उन लोगों को बता दो। कितनी कीमती बात है। सिर्फ ये बात अगर हमारे जहन में आ जाए तो आज ही हमारी जिंदगी चेंज हो जाएगी, हम अपने को बदल लेंगे। अल्लाह ताला ने उन लोगों के बारे में कह करके भेजा। ये आम टोला, मोहनपुर कुसुम टोला वाले नहीं, बल्कि उस जमाने के जो लोग तालिबे इल्म थे, उस जमाने की जो तालिबात थी, उन लोगों के बारे में क्या कहा कि मेरे नबी इन लोगों को आप बता दीजिए कि हम इन तमाम लोगों पर राजी हो गए, खुश हो गए, ये लोग हमको पसंद कर रहे हैं कि नहीं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह बोल रहा है कि हम तो खुश हो गए, इन लोगों पर राजी हैं, ये लोग जो मांगेंगे वही हम देंगे। जन्नत में बिल्डिंग, जन्नत में गाड़ी, जन्नत में हुरैन, जन्नत में बालाखाना, जन्नत में बागीचा, जन्नत में हीरा मोती, जन्नत में मूंगा मोती, सोना चांदी, जो भी ये लोग मांगेंगे हम देंगे इन लोगों को, ये लोग हमसे राजी हैं कि नहीं। अस्साबिकून अल्अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم। الله رب العالمين نے فرمایا कि मक्का से हिजरत करने वाले, हबस से हिजरत करने वाले, ताइफ से हिजरत करने वाले, यमन से आने वाले और मदीना में बसने वाले, अगले वाले, पिछले वाले, अंसारी अगले वाले, पिछले वाले, बाद में इनके पीछे चलने वाले, इन लोगों पर हम राजी हो गए हैं, ये लोग हमारे ऊपर राजी हैं कि नहीं। रजी अल्लाह अनहुम व रजू अनहु। ऐ मेरे आखिरी पैगंबर, आप बता दीजिए कि जितने दिनों तक दुनिया के अंदर हयात है, 100 साल, 80 साल, 90 साल, 70 साल, जैसे ही ये लोग मरेंगे, इंतकाल करेंगे, وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ, जैसे ही इनका इंतकाल होगा, इनका ठिकाना, इनका ठिकाना, इनका ठिकाना सीधे जन्नत। इनका ठिकाना कहाँ होगा? जन्नत में। और जन्नत की खूबी, जन्नत की सिफत बयान की गई है कि जन्नत को हम ऊपर बनाएंगे, जन्नत को ऊपर बनाएंगे और नीचे से पानी बहेगा। ऊपर जन्नत रहेगी और नीचे पानी बहेगा। अगर देखना हो कि पानी के ऊपर कैसा घर बनता है तो आपको बांग्लादेश जाना पड़ेगा, बांग्लादेश जाना पड़ेगा। जब बांग्लादेशी, बांग्लादेश वाले जब पानी पर घर बना सकते हैं तो अल्लाह ताला पानी पर जन्नत कैसे नहीं बना सकता है? वो तो कादर मतलब नीचे पानी और ऊपर जन्नत रहेगी। तजरी तहतहा अल-अनहार ज़ालिकल लाजीम। जन्नत घुसने के बाद कामयाबी, जन्नत तक ना पहुंचने वाले नाकाम। जन्नत मिलेगी तो कामयाबी, जन्नत अगर ना मिले तो नाकामी। तो भाइयों, बुजुर्गों,
मेरे नौजवान साथियों, आप अपने को जन्नती बनाएंगे, अपने लड़के को बनाएंगे, अपनी लड़कियों को बनाएंगे, तो तालीमात आपको हासिल करनी है, फिर उसके बाद अमल आपको करना पड़ेगा और हमारी जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। आप बोलिएगा कि मुंह मोड़ लेंगे, हमको सीखना नहीं है, हमको पढ़ना नहीं है, हमको उम्मे सलमा चलाना नहीं है, तो इन लोगों का क्या अंजाम होगा, इनका क्या ठिकाना होगा, इनका क्या हशर होगा। आप सूरह निसा उठा करके देखिए, इनका हशर क्या होगा, नहीं दिखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं चलेंगे, तो उसका भी अंजाम, उसका भी ठिकाना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह निसा के अंदर बयान फरमाया। ومن يشاقق الرسول, जो आदमी अल्लाह के रसूल की बातों पर अमल नहीं करेगा, मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा, कुरान आ जाने के बाद, नबी की नबुवत आ जाने के बाद, हदीस के आ जाने के बाद, कुरान के हमारे सामने पहुंचने के बाद, तो नुवल्लिही मा तवल्ला, वो जैसा चाहता है वैसा करेगा दुनिया में, वो नुस्लिही जहन्नम, और जब मरेगा तो हम उसको वासले जहन्नम करेंगे, जहन्नम के अंदर दाखिल करेंगे, वो साअत मसीरा, और जहन्नम नहायत बुरा ठिकाना है। तो भाई बुजुर्गो, मेरे नौजवान साथियों, इसी उम्मे सलमा लिल बना को चलाना के लिए, आगे बढ़ाना बढ़ाने के लिए आज एक मजबूत दरख्त की शक्ल में है। देख करके हमको भी खुशी है, आपको भी खुशी है, पूरे इलाका वालों को खुशी है, और ना खुशी किन लोगों को है, किन लोगों को खराब लगता है, जैसे सहाबाए किराम के ईमान को देखकर कुफार को बुरा लगता था, तो दुश्मनाने मदरसे को, दुश्मनाने मदरसा को देखकर उन लोगों को खराब लगेगा। सूरह फतह के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या युअजिबुहुम अज़्ज़ुर्रा लियज़ालिहिमुल कुफार, आज भी लगेगा उसी तरह और लग रहा है। तो भाइयों बुजुर्गो, इस मदरसे के ताल्लुक से आप लोग हमेशा दिए हैं और देते आ रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, आइंदा भी देने का पुख्ता अज़्म रखते हैं। तो जिन लोगों ने दे दिया है, जो लोग बाकी हैं और देना चाहते हैं, अल्लाह के वास्ते आप लोग दें। मेरे बाद उलमाए किराम हैं, मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब, ये बड़े ही शीरी बयान करीर है, मौलाना नूर मोहम्मद खातिर बरदवानी साहब, वो भी आप लोगों के सामने आएंगे, मौलाना सादिक इस्लाही सल्लमहुल्ला, वो भी आपके सामने आएंगे, मौलाना शमी